गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम पढ़े थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम पढ़ते हुए हमने कुछ सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम देखे थे। उसके बाद अब हम देखिए इस वीडियो में हम ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनके नाम भी हम देखेंगे। अभी ब्रिज लिगेंड क्या होता है पहले इस बात को देख लीजिए कि ऐसे लिगेंड जो दो या दो से अधिक मेटल आयनों से जुड़े रहते हैं वो ब्रिज लिगेंड कहलाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ऐसे लिगेंड जो दो या दो से अधिक मेटल एटम्स के साथ जुड़े रहते हैं वो ब्रिज लिगेंड कहलाते हैं। तो दो मेटल्स के साथ जुड़ने के लिए ये कोई भी लिगेंड है, ये अगर दो मेटल के साथ जुड़ा रहता है तो इस लिगेंड के लिए एक टर्म यूज करते हैं वो है म्यू। क्या है म्यू? म्यू का मतलब होता है इस म्यू का मतलब होता है कि ये लिगेंड दो मेटल के साथ जुड़ा हो। अगर कोई लिगेंड जो है माना कि तीन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो, कितने मेटल के साथ जुड़ा हो? तीन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो। तो तीन मेटल के साथ अगर कोई लिगेंड जुड़ा हुआ होगा तो उसके लिए भी हम म्यू का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कितने मेटल के साथ जुड़ा हुआ है वो संख्या बतानी पड़ेगी। तो तीन से जुड़ा हुआ तो म्यू के नीचे तीन लग देंगे हम, म्यू थ्री। अगर कोई लिगेंड चार के साथ जुड़ा हुआ हो तो म्यू फोर लिख देंगे। बोल सब यार दो के साथ जुड़ा हुआ तो टू क्यों नहीं लिख रहे? वो इसलिए नहीं लिख रहे कि म्यू का मतलब ही ये है कि वो दो मेटल से जुड़ा हुआ है। एक से जुड़ेगा तो वो तो ब्रिज लिगेंड ही नहीं हो, तो ब्रिज लिगेंड कम से कम दो के साथ तो जुड़ेगा। तो दो के साथ जुड़ेगा तो म्यू लिखते हैं, और दो से ज्यादा मेटल के साथ जुड़ता है तो फिर मेटल की वहां पर संख्या बतानी पड़ती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। तो चलिए अब हम ब्रिज लिगेंड वाले कंपाउंड्स के जो है वो नाम देखें। चलिए पहले मैंने दो एग्जांपल सिंपल भी लिखे हैं जो आप लोग एक बार फिर से आपके ध्यान में आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। NiCN का होल को 2-, यहां पर निकल की हमको ऑक्टेशन स्टेट निकालना है तो निकल का x मान लिया x प्लस चार है लिगेंड, चार एक CN पर -1 चार्ज है तो -1 बराबर ये किसके है -2। तो x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4 इक्वल टू +2। तो निकल पर जो चार्ज आ गया वो आ गया +2, यानी निकल का ऑक्सीजन स्टेट हो गया +2। जब हम उसको जरूरत पड़ेगी तो हम +2 लिखे लेंगे। चलिए आगे देखिए, अब इसका नाम देखिए। तो लिगेंड सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए लिगेंड है CN, CN को कहते हैं साइनो। CN को क्या कहते हैं? साइनो। साइनो कितने हैं? चार हैं, तो संख्या बतानी पड़ेगी तो टेट्रा साइनो। कितने साइनो? चार, तो टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। निकल देखिए, जब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है, ये कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा जो है, संकुल आयन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें सेंट्रल एटम का जो नाम लिखा जाता है उसके लास्ट में 8 लगाया जाता है, उसके अंत में सफिक्स के रूप में 8 लगाते हैं। तो चलिए, तो निकल, अब इसका नाम तो हो गया लिगेंड का, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम निकल, तो निकल के लास्ट में 8 लगाएंगे तो निकले निकले तो टेट्रासाइनो निकले टेट्रासाइनो निकलेट। अब निकलेट के बारे में ऑक्टेशन स्टेट लिखेंगे किसकी? सेंट्रल एटम। अभी हमने +2 निकाली थी तो सेकंड निकलेट सेकंड, ये इसका नाम हो गया। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज आयन है तो उसके आगे आयन लिख देते हैं, बताने के लिए भाई आयन है, यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए आयन है और आयन है तो उसके आगे आयन हमने लिख दिया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, इसका नाम देखिए इसके आगे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस किसी नहीं जुड़ी हुई। ये पॉजिटिव चार्ज आए हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आए हैं, जुड़ा हुआ काउंटर है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखने के सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है? एमीन है। एमीन कितने हैं? दो, तो संख्या बताते हुए
डायनेमिक, क्या हो गया डायनेमिक। डायनेमिक के बाद सैंपल लेटर का नाम, सैंपल लेटर क्या है सिल्वर, ये लीजिए सिल्वर लिखिए डायनेमिक सिल्वर। अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए वही इसका एक्स और इसका जीरो होता है, तो एक्स का जीरो इक्वल टू प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस वन हो गया, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा वन, तो सिल्वर वन, ठीक है सिल्वर का। और ये आयन है तो इसके आगे हम आयन लगा, तो ये हो गया डायनेमिक सिल्वर फर्स्ट आयन। चलिए आगे देखिए, लेफ्ट देखिए, इसका नाम लिखेंगे। अब इसमें ये OH जो है दो क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, OH दो मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ है, जो दो मेटल से जुड़ने के कारण ये OH ब्रिज लिगेंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा ब्रिज लिगेंड कहलाएगा। तो देखिए जब नाम लिखा जाता है किसी भी ब्रिज लिगेंड वाले संकुल यौगिक का, जब नाम लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम लिखा जाता है, तो उसमें ब्रिज लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद में बाकी नाम लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है वो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे हम OH का, और OH ब्रिज लिगेंड है उसका नाम लिखने के लिए लगाएंगे म्यू। ब्रिज लिगेंड को बताने के लिए ब्रिज लिगेंड कौन सा है उसके आगे लिखेंगे म्यू, और OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सो, तो म्यू हाइड्रोक्सो। ये हो गया ठीक है। अब म्यू हाइड्रोक्सो हो गया, अब उसके बाद में बाकी सेंटर जो है, बाकी जो कंपाउंड है अपना उसका नाम हम लिखेंगे। यहां तक तो कोई परेशानी मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी केवल ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा है, और ब्रिज लिगेंड का नाम के आगे म्यू लगाते हैं तो म्यू हाइड्रोक्सो हो गया। चूंकि ये दो ही मेटल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए केवल म्यू लिखा हुआ है, म्यू हाइड्रोक्सो। अब देखिए आगे देखिए, अब यहां पर सी आर एन एस थ्री का होल पाइप, इधर भी सी आर एन एस थ्री का होल पाइप है, यानी कि दोनों स्पीसीज जो है वो सेम है, तो एक का नाम लिख देते हैं और उसके आगे हम बिस लगा देंगे, तो बिस लगाते हैं वो क्या हो जाएगा दो का हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसके आगे हम लगा देंगे बिस, म्यू हाइड्रोक्सो बिस, और बिस लगा करके पोस्टिक में इसका नाम लिख देंगे। देखिए अब इसका नाम लिखने के लिए, अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह ही, तो इसका नाम हम लिखेंगे। देखिए इसका नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड और सेंट्रल एटम, तो पहले लिगेंड का नाम और फिर सेंट्रल एटम का नाम, तो लिगेंड का नाम अमोनिया, अमोनिया तो एमिक, एमिक कितने हैं पांच, तो पेंटा एमिक। पेंटा एमिक देखिए हमने लिखे पेंटा एमिक, फिर सेंट्रल एटम का नाम, सेंट्रल एटम क्या है क्रोमियम, पेंटा एमिन क्रोमियम। अब पेंटा एमिन क्रोमियम के बाद में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी पहले, तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाल लेते या फिर इस नाम को पहले पूरा कर लेते हैं और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख लेंगे। देखिए इसके बाद एक सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, वो इस कोष्ठक में लिखी जाएगी, और इस कोष्ठक में अभी हम लिख देंगे। चलिए और उसके बाद में ये कोष्ठक हम बना, देखिए देखिए ध्यान से देखना आप लोग, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी ब्रिज लिगेंड वाला अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और वो भी म्यू लगा करके, ब्रिज लिगेंड को दर्शाने के लिए म्यू का प्रयोग करते हैं, तो म्यू हाइड्रोक्सो OH है, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद में ये इसका नाम लिखा जाएगा, तो ये सेंट्रल एटम और लिगेंड, तो लिगेंड का नाम पहले, तो पेंटा एमिन क्रोमियम, पेंटा एमिन और क्रोमियम, क्योंकि पेंटा एमिन क्रोमियम दो है तो इसलिए इनकी संख्या बता दी हमने, बिस लगा करके हमने लिख दिया पेंटा एमिन क्रोमियम। चलिए अब इसका हम क्या लिख देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखेंगे इसकी तो हम निकाल लेते हैं। चलिए तो ये देखिए भाई, इसके ऊपर बाहर जुड़े हैं Cl माइनस Cl फाइव, तो ये पांच Cl जुड़े हैं, एक Cl पे माइनस वन, तो पांच पे माइनस पांच हो गए, तो यहां माइनस पांच जुड़ा हुआ है तो इस पर क्या होगा प्लस पांच होगा, अरे होगा नहीं होगा, तभी तो माइनस पांच जुड़ा हुआ, तो इस पर क्या होगा प्लस पांच होगा, यानी कि इन सब के चार्ज का जो योग है वो क्या आ गया प्लस फाइव आ गया। तो देखिए
क्रोमियम कितने हैं? दो है, हमको क्रोमियम का निकालना है। माना कि क्रोमियम का कितना है? एक्स, तो दो क्रोमियम के क्या हो गए? 2x। माना कि क्रोमियम पर जो चार्ज है वो कितना? x है, तो दो क्रोमियम पर कितना हो गया? 2x। 2x प्लस NH3 कितने हैं? पांच ये और पांच ये, तो 10 NH3 कितने हो गए? 10, और एक NH3 पर चार्ज होता है 0, तो 10 इंटू 0 प्लस ये OH रहा। OH पर कितना चार्ज होता है? माइनस वन। OH कितने हैं? एक OH है, और एक OH पर कितना होता है? माइनस वन चार्ज है। तो ये तो एक जो है ये OH की संख्या है, और ये OH पर चार्ज है, OH पर माइनस वन। तो 2x प्लस 10 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 2 बराबर किसके है? प्लस 5 बराबर प्लस 5। तो 2x प्लस 10 इंटू 0 0 और 1 इंटू माइनस 1, तो क्या हो गया? माइनस 1। 2x माइनस 1 बराबर प्लस 5। 2x इज इक्वल टू प्लस 5, और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 बराबर, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 6। तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस 6 बटे 2 बराबर प्लस 3। तो एक क्रोमियम पर जो चार्ज आ गया वो आ गया प्लस 3। इस पर भी प्लस 3 है, इस पर भी प्लस 3, लेकिन हम एक का नाम लिख रहे हैं, दोनों का नाम तो डिस लगाते ऑटोमेटिक दो का हो गया। तो म्यू हाइड्रोक्सो बिस, इसकी और इसकी दो हो गया ना, तो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम, और क्रोमियम पर चार्ज कितना? थर्ड। क्रोमियम थर्ड, और उसके बाद में काउंटर आयन जो जुड़ा हुआ है सीएल यानी क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोरीन। नेक्स्ट अगले वाले का नाम देखिए, ये और ये तो सेम है, केवल अब क्या चेंज हो रहा है कि यहां पर एक ब्रिज लिगेंड था, यहां पर दो ब्रिज लिगेंड। तो ब्रिज लिगेंड का नाम बताने के लिए हमको म्यू लगाना पड़ता है, तो म्यू क्लोर, म्यू क्लोर। अभी म्यू क्लोरो जो ब्रिज लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड कितने हैं? ये दो है, तो दो है तो इनकी संख्या बतानी पड़ेगी, संख्या बतानी पड़ेगी, दो के लिए डाई लगाते हैं, तो ये लीजिए डाई, डाई म्यू क्लोर। ये हो गया ब्रिज लिगेंड का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी, कि सब ये और ये तो सेम है, इन दोनों में से अगर एक का नाम लिख दिया जाए तो बिस लगाते हैं दोनों का नाम हो जाएगा। तो पहले हम बिस लगाए थे, बिस बिस लगा करके, और अब हम एक का नाम लिख दें। तो इसमें देखिए, ये लिगेंड जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एक क्लोरो प्लेटिनम के साथ जुड़े हुए, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट और क्लोरो, इनमें से जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा उससे पहले आएगा क्लोरो, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट जो है वो टी बाद में आएगा, तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा। तो लिखिए क्लोरो, क्लोरो की संख्या कितनी है? एक ही है, तो संख्या के लिए डाई ट्राई कुछ लगेगा नहीं, तो क्लोरो। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट कितने हैं? वो भी एक है, तो क्लोरो। ट्राइफेनिल फॉस्फेट, सर ट्राइफेनिल फॉस्फेट को आपने कोष्टक में क्यों लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया क्योंकि उसके नाम में पहले से डाई ट्राई आ रहा है, इसलिए उसको हमने कोष्टक में लिख दिया ताकि वो सेपरेट रहे इससे। तो क्लोरो ट्राइफेनिल फॉस्फेट। फिर उसके बाद में प्लेटिनम, आप देखिए अभी प्लेटिनम जो है, अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो एट वेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनम। ये लीजिए प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद में उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखा जाएगा। ट्राइफेनिल फॉस्फेट पर जीरो चार्ज होता है, तो इन दोनों पर तो जीरो है, सीएल पर माइनस वन होता है, तो सीएल लिख लीजिए एक दो तीन और चार, चार सीएल है, चार सीएल पर कितना हो गया? माइनस फोर। तो इन दोनों प्लेटिनम पर जो है वो प्लस फोर है, तो एक प्लेटिनम पर कितना हो गया? प्लस टू। तो ये लीजिए सेकंड, ये क्या हो गया? सेकंड लगा दिया हमने,
इस चार्ज को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप तो एक्स के हिसाब से निकाल लेना, एक्स प्लस करके। देखिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले ली, इस ट्राइथेनिल फॉस्फीन, इस पर चार्ज जीरो होता तो इसको तो हटा दीजिए, उसके बाद में बचे लिगेंड क्लोरीन लिगेंड, तो क्लोरो लिगेंड है उनको गिन लीजिए, एक दो तीन और चार, चार क्लोरो लिगेंड है, एक क्लोरो लिगेंड पर चार्ज होता है माइनस वन, तो चार पर हो गया माइनस चार, और ये माइनस चार को सेटिस्फाई करने के लिए दो प्लेटिनम जुड़ गए, तो दो प्लेटिनम पर कुल मिलाकर के प्लस चार चार्ज होना चाहिए, तो एक प्लेटिनम पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस टू हो जाएगा, तो हमने सेकंड लिख दिया, तो डाइम्यू क्लोरो बिस क्लोरो ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्लेटिनम सेकंड, ये इसका नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, इसका नाम देखिए आप, पहले इसका चार्ज निकाल लीजिए सबसे पहले। अब इसमें सबसे बड़ी असुविधा तो ये होगी कि इसमें सैंपल एटम कौन सा है और इसमें लिगेंड कौन सा है, तो ये देखिए मर्करी जो है यहाँ पर, ये आयन ये धातु है, वो मर्करी जो मेटल है ये सेंट्रल एटम है, लेकिन ये सेंट्रल एटम चार है, कोई बात नहीं हमें उससे कोई लेना देना नहीं, चार हो पांच हो दस हो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इस सेंट्रल एटम का चार्ज निकालना पड़ेगा अपन को मर्करी का, तो मर्करी का चार्ज निकालने के लिए मर्करी को मान लिया एक्स, तो मर्करी कितनी है चार, तो हो गया फोर एक्स प्लस, चार मेथिल जुड़े हुए, एक मेथिल जो होता है उस पर माइनस वन चार्ज होता है, तो चार पर कितना हो जाएगा फोर इंटू माइनस वन, फोर इंटू माइनस वन, साथ में एक एस माइनस टू जुड़ा हुआ है, एस पर माइनस टू चार्ज होता है, तो वो एक है, एक पर कितना है माइनस, ठीक, और ये बराबर टोटल भाई इसका भी चार्ज हमने जोड़ लिया, मर्करी का भी ले लिया और मेथिल का भी ले लिया, इन सब का जो टोटल है वो किसके बराबर है प्लस टू के, तो बराबर हो गया प्लस, तो फोर एक्स माइनस फोर माइनस टू बराबर प्लस टू, तो फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू प्लस टू, तो फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस टू प्लस सिक्स बराबर प्लस एट, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस एट अपॉन फोर बराबर प्लस टू, तो ये आ गया मर्करी पर चार्ज, मर्करी पर जो चार्ज आ गया, मर्करी मेटल जो है मेटल आयन है उस पर चार्ज जो आ गया वो आ गया प्लस टू, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम देखते हैं, देख आगे देखिए, अब इसका नाम लिखते हैं, देखिए ये सल्फर जो है ये चार मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो देखिए म्यू, अब म्यू जो है वो दो के लिए तो म्यू लिखते हैं, लेकिन चार के साथ जुड़ा हुआ तो म्यू फोर, क्या लिख देंगे म्यू फोर, अब देखिए ये तो ब्रिज लिगेंड, अब ये HGCH3 यानी मैथिल और मर्करी, यानी मर्करी मेटल है और मैथिल लिगेंड है, जैसे ये कितने हैं ये चार हैं, तो चार इनकी संख्या बतानी पड़ेगी, तो म्यू फोर तो थायो हो गया, साथ में अब इसका नाम लिखेंगे, ऐसे चार हैं ये, तो चार की संख्या बताने के लिए टेट्रा किस भाई, चार की संख्या हमने बता दी, ठीक है, अब चार की संख्या बताने के बाद एक का हम नाम लिख देंगे, तो ये लीजिए कोष्ठक लगा के इसका एक का हम नाम लिख देंगे, एक में पहले ये लिगेंड है और ये मेटल है, तो पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है मेथिल, और कोई लिगेंड दूसरा है नहीं, मेथिल भी एक है, तो उसकी संख्या बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में मेटल, तो मेटल क्या है मर्करी, तो मेथिल मर्करी, ये सब मर्करी लीजिए इसके साथ, अब मेथिल मर्करी के बाद मर्करी मेटल आयन का नाम भी आ गया, तो उसके बाद उसके ऑपरेशन स्टेट बतानी पड़ेगी, ऑपरेशन स्टेट अभी हमने निकाल ली थी, दो आई थी, तो ये लीजिए सेकंड, ये इसकी क्या आ गई ऑपरेशन स्टेट आ गई, और ये इस पर प्लस टू चार्जेस को बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव चार्जेस किसी यहां जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए क्या है आयन है, तो इसके आगे हम लिख देंगे, तो इसका नाम जो हो गया वो म्यू फोर थायो, यानी एस जो सल्फर जो लिगेंड है ये चार सेंट्रल एटम के साथ या चार मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो म्यू फोर थायो, टेट्राकिस यानी चार स्पीसी चार मोटीज हैं लिगेंड और मेटल आयन की, तो टेट्राकिस, मैथिल मर्करी एक मैथिल जुड़ा हुआ है लिगेंड के रूप में
और साथ में उसके साथ मेटल आयन मरकरी है, तो मेथिल मरकरी, और उसकी मरकरी के ऑक्सीजन से सेकंड है तो टू और आयन, ये क्या हो गया इसका नाम हो गया। तो ब्रिज लिगेंड्स वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो नाम है वो इस तरह से लिखे जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।